सब्सक्राइब करें सोनिस किचन चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिस किचन। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है 3 लेयर्स चीज ग्रिल सैंडविच। हम आज 3 लेयर्स चीज ग्रिल सैंडविच बनाएंगे तवे पे। आप चाहे तो इसे टोस्टर पे बना सकते हैं, बट मैं इसे तवे पे ग्रिल करूँगी। बहुत ही टेस्टी होती है ये, किड्स स्पेशल है। आप इसे एडल्ट्स के लिए भी बना सकते हैं। थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स एक्स्ट्रा डालेंगे तो एडल्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और किड्स के लिए बनाना चाहते तो चिल्ली फ्लेक्स कम करें। चीज़ तो ज़बरदस्त डालनी है, बहुत ही टेस्टी सैंडविच है, बच्चे बड़े सबको पसंद आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ ग्रिल सैंडविच, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, 3 लेयर चीज़ ग्रिल सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इन सारे इंग्रेडिएंट्स लिया है, जिसमें है मोज़रेला चीज़, बटर, ब्लैक पेपर पाउडर, टोमेटो सॉस और रेड चिली फ्लेक्स, और ये चीज़ स्लाइस लिया है मस्टर्ड सॉस है, और मिक्स्ड हर्ब्स। मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड स्लाइसेस ले लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर अच्छे से हम बटर लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से, हमने इस पे बटर लगा लिया है, और इसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे। फ्रेंड्स, बच्चों के लिए बना रहे तो थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालें, अगर एडल्ट के लिए बना रहे तो अच्छे से डाल दें। इसके ऊपर हम रखेंगे मोज़रेला चीज़। चीज़ आप अच्छे से डालें, बहुत सारा चीज़ में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ग्रिल सैंडविच है। इसके ऊपर ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ी सी डालेंगे, और इसके ऊपर सो फ्रेंड्स देखिए, दूसरी ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी मैंने हल्की सी बटर लगा लिया है, और इसके ऊपर मस्टर्ड सॉस लगा रही हूँ। मस्टर्ड सॉस हल्की सी ही लगानी है। अगर मस्टर्ड सॉस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसके ऊपर हम रख देंगे ये चीज़ स्लाइस, और इसके ऊपर हम दूसरी और एक ब्रेड स्लाइस ले लेंगे। ये थर्ड ब्रेड स्लाइस है, इसके ऊपर भी हल्की सी बटर लगा लेंगे। मैं हर एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर यहाँ पे बटर लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं ये मेथड को, टॉप और बॉटम में सिर्फ बटर लगा कर ले सकते हैं। यहाँ पे हम टमाटो सॉस लगा लेंगे, ये बच्चों का फेवरेट है। और ये टमाटो सॉस भी जो अभी आती है ना, तीखी और थोड़ी सी मीठी वाली, वो वाली लगा रही हूँ मैं। और इसके ऊपर मिक्स्ड हर्ब्स और ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, इससे अच्छी फ्लेवर आती है। और यहाँ पे लास्ट में हम अभी बचे हुए जो ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ है अच्छे से टॉपिंग कर लेंगे। बहुत सारे चीज़ डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, ताकि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चीज़ डालने से एकदम जो स्ट्रेच होकर निकलते हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं। लास्ट वाला ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी हम बटर लगा कर ऊपर की तरफ रखेंगे। देखिए तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पे एक पैन लेकर थोड़ी सी बटर लगा लिया है। इसके ऊपर हमने जो सैंडविच बना के रखा है इसे ग्रिल करेंगे या टोस्ट करेंगे। देखिए इसे हल्की गोल्डन कलर होने तक हमें टोस्ट करनी है, क्रिस्पी होने तक। इसे इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से टोस्ट हो जाएगा, और इसे पलट लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे पलट लिया है, दूसरी तरफ भी अच्छी गोल्डन क्रिस्पी होने तक हम टोस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये सैंडविच हमारा दोनों तरफ अच्छी गोल्डन कलर की हो गई है। इसे एक प्लेट में निकाल कर हम स्क्वायर या डायगोनल शेप में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे डायगोनल शेप में कट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सैंडविच हमारा बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से ये चीज़ मेल्ट होकर बाहर आ रही है। ये सैंडविच की यही खासियत है, और बहुत ही टेस्टी है। इसमें आपको सारे फ्लेवर्स मिल जाएगी, जैसे मस्टर्ड सॉस, टमाटो सॉस, ब्लैक पेपर, मिक्स्ड हर्ब्स, चीज़ की, बहुत ही टेस्टी है ये। सारे फ्लेवर्स है, बच्चे बड़े सबको पसंद आती है। छोटी भूख लगे या फिर बच्चे स्कूल से आ गए, कुछ खिलानी हो, तो ये सैंडविच को आप बना सकते हैं। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।